जो हमारे कारपेंटर साथी हैं, जब वो काम करते हैं अगर चश्मा नहीं लगाएगा, आरी से काम कर रहा है, हवा के साथ अगर बुरादा आंखों में जाएगा तो क्या होगा? आँख खराब होगी या हो सकता है। देखो, कोई भी दुर्घटना जरूरी नहीं है हमारी गलती से, दूसरे की गलती से भी हो सकता है। आप यहाँ पे अपना काम कर रहे हो, ऐसे कटिंग कर रहे हो बोर्ड जो, ठीक है, अचानक से इधर से कोई साथी, उसने कुछ पहना है नहीं पहना है, या हेलमेट को ही गलत, अब वही चीज़ है कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को अगर आप सही तरीके से नहीं पहनोगे तो भी सही नहीं है, तो वो दुर्घटना का कारण बन सकता है। कैसे? मैंने ये पहना, ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ सामान लेकर के आ रहा हूँ उसकी हेल्प करने के लिए, हो सकता है कि मैं उसका हेल्पर हूँ, ठीक है, ये आदमी अपना कटिंग कर रहा है, अचानक मुझे यहाँ पर चक्कर आया, मेरा हेलमेट जो है उसके ऊपर जाके गिरा हाथ पे, उसका आरी कहाँ गया? नीचे गिर गया। उसका हाथ गया कि नहीं गया? क्या उसकी गलती है? किसका गलती है? दूसरा साथी की गलती है कि उसको चक्कर आया। चक्कर आना ये भी गलती नहीं है, उसकी गलती क्या है कि उसने हेलमेट को सही से समझ में आया। अगर यही हेलमेट उसने सही से पहना होगा, देखो बहुत छोटी सी बात है लेकिन एक बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बन जाएगा। अगर यही हेलमेट अगर उसने सही से पहना होता, अगर वो चक्कर खा के गिर भी जाता, हेलमेट नहीं गया तो हेलमेट नहीं गया था, पहली चीज वो सेफ हो गया। दूसरी चीज कि जब वह इस तरीके से चक्कर खा के गिरेगा तो कहीं ना कहीं किसी चीज से तो चोट लगेगी ना उसको भी। अगर अभी गिरता है तो क्या चोट लगेगी उसे? नहीं लगेगी। तो जब तक हम पीपीई, जितने भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आपको दिए गए हैं, अगर उनका आप सही से इस्तेमाल नहीं करते हो तो आप अपनी जान जोखिम में डालते हो, साथ ही साथ आप दूसरे की जान भी जोखिम में डालते हैं। क्लियर हो गई बात? क्लियर है, समझ में आया? तो आज और अभी से हम जितना भी पीपी जो भी हम पहनते हैं, हम उन्हें सही तरीके से पहनेंगे और सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, अपनी सुरक्षा के लिए भी और साथ के साथ दूसरों की सुरक्षा के लिए। क्लियर है? ठीक है।